जिंदगी के लिए कि आने वाले टाइम पे किसी भी बेटी को भाई जान ये काम हो जाएगा। पुलिस वाले को खतरे में रखा दिया, पुलिस वाले पुलिस वाले मिले हुए हैं जी, खतरे में रखा पुलिस वाले को सारे वे मेन मौके पर पहुंची, उसको सब कुछ पता है, सुबह सारी उसने रिकॉर्डिंग राकॉर्डिंग सब कुछ करा है। सर हमने सदर थाना पता है मेरे को, नहीं मैं घर सदर थाने में आपने दरखास्त दी है? नहीं हमने पंचायती फैसला मांगा था, पंचायत फैसला नहीं कर रही। किसने मनोज कुमार हमने 112 में दरखास्त दी थी, हमने उनके सामने बोला था पंचायती एक बार ये जाम आप जाम जब तक नहीं आ मुझे फैसला नहीं हटेगा। बेटी का मामला है, आज आपकी बेटी होती तो आप छोड़ देते? मैं किसी को नहीं कह रहा, फैसला जब तक मुझे मेरे अंदर में फैसला किया है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा फैसला किया है। जाम लगाने से हम जाम लगाएंगे, परेशानी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं, आप लोग चलो भाई, चलो ऐसे आए हैं तुम चलो पूछताछ, आप उधर ही रहो, बैठो आप लोग। पूछताछ के लिए लिया है क्या मैं? जब तक कुछ साबित नहीं होगा पूछताछ करेंगे तभी तो कोई चीज सामने आएगी। ठीक है, हाँ जी। और के तहत एक गांव से एक मामला कल सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग जो पीड़िता है, बच्ची है, उसके साथ जो साथ ही एक शॉप ओनर है, उसने बदतमीजी की और छेड़खानी की। तो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया, मैं तुरंत मौके पर गया हूं और हमने तुरंत जो अंडर पोक्सो एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उससे काउंसलिंग कराई गई है और जो इसमें आरोपी थे, मुख्य आरोपी जिसपे एलिगेशन लगे थे, उसको हमने देर रात कल गिरफ्तार कर लिया है।